ये पिछले क्लास में ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यही हम लोग कर रहे थे, है ना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यही हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ऑब्जेक्ट, उसमें वर्टिकल प्लेन आपको ऊपर चला जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको नीचे आ जाता है, है ना। ये आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको ऊपर चला जाता है और वर्टिकल प्लेन आपको नीचे आ जाता है, है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको इंडस्ट्री में भी काम आता है और हर एक एग्जाम में भी आपको पूछता है। तो जो फर्स्ट एंगल में ये ऑब्जेक्ट आपका है और टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो जिस तरह ऑब्जेक्ट दिखेगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको ये दिखाया जा रहा है, ये आपको टॉप व्यू हो जाएगा। और फ्रंट से देखेंगे और फ्रंट से देखने के बाद आपको वर्टिकल प्लेन में जैसा इमेज मिलेगा वो आपको फ्रंट व्यू हो जाएगा, है ना, है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, ये आपको टॉप व्यू यहाँ पे होगा और फ्रंट व्यू यहाँ पे होगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एचपी आपको नीचे चला जाता है, वीपी आपको नीचे ऊपर आ जाता है, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। एचपी आपको ऊपर चला गया, वीपी है ना, टॉप व्यू यहाँ पे है, फ्रंट व्यू यहाँ पर है, इसका फाइनल फिगर आपको आंसर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। और दूसरा ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है थर्ड एंगल में रहता है, ऊपर से देखेंगे आपको टॉप व्यू आपको नजर आएगा और फिर इधर से देखेंगे जो फ्रंट व्यू आपको नजर आएगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर चला जाता है और वीपी नीचे आ जाता है ना। ये आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। इसमें आपको टॉप व्यू आपको ऊपर चला जाता है और फ्रंट व्यू आपको नीचे आ जाता है ना। एचपी ऊपर चला गया, वीपी आपको नीचे आ गया, है ना। ये आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है ना। ये आपको फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल का दिखाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में ड्राइंग क्यों नहीं बनाया जाता है। सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप टर्न करेंगे तो ये एचपी और वीपी आपको कॉइंसाइड करने जाएगा, है ना। ड्यू टू दिस रीजन सेकेंड एंड फोर्थ एंगल आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर एज द थ्री डायमेंशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, है ना। जो उसके डायमेंशंस है वो आपको आइडेंटिफाई, हाँ बताइए। सेकेंड एंगल अपना इंडिया में यूज नहीं होता है सर क्या उतना? नहीं, जो इंडिया में आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ही आपको यूज होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BIS जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड है, हैज रिकमेंडेड द फर्स्ट एंगल मेथड टू बी यूज्ड इन अवर कंट्री। फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है वो आपको इंडिया में यूज होता है, थर्ड एंगल यूरोप वगैरह में आपको यूज होता है, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में आपको थर्ड एंगल यूज होता है, और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन ये कहीं यूज नहीं होता है। कारण ये है एचपी और वीपी आपका कॉइंसाइड कर जाता है और हेंस फॉर रिप्रेजेंटिंग द थ्री डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, है ना। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही यूज करते हैं। आपको सेकेंड एंड फोर्थ एंगल आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर थ्री डायमेंशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। आपको तीनों डायमेंशन आपको इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल को यूज नहीं करते हैं। जी सर,
ये आपको फिगर जो यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये कि आपको क्लियर हो गया जी जी सर ये फर्स्ट एंगल का, जी सर ये आपको थर्ड एंगल का, जी सर और ये फर्स्ट एंगल का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू यहाँ पर कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना फर्स्ट एंगल में, और ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल का आपको दिखाया गया है, और ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ये थर्ड एंगल का आपको दिखाया गया है ना, टॉप व्यू फ्रंट व्यू। जितना भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनता है इंडस्ट्री में आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में आपको बना के दिखाया जाता है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम में भी पूछा ही जाता है, एग्जाम में भी पूछता है और इंडस्ट्री में भी आपको आता है। तो यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट था उसका फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में आपको यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम इसको लेके चलते हैं, देखिए मेथड ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ना, ये स्क्वायर सीट है के परपेंडिकुलर टू एचपी एंड बीपी है ना, ये स्क्वायर है 40 mm साइड का, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर को फर्स्ट एंगल में रखा गया है, तो इसका जो है आपको प्लान और इलिवेशन आपको तीनों व्यू यहां पर देखिए बनाया गया है, ये आपको फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है ना। टॉप व्यू ऊपर से देखा गया, टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं फ्रंट व्यू, ये जो एरो दिया हुआ रहता है ना, एरो देने का मतलब है फ्रंट व्यू इसी साइड में है ना, एरो जिधर देंगे ना तो उसका मतलब है फ्रंट व्यू उसी साइड में, तो ये आपको टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन खींच के यहां से प्रोजेक्शन लेकर के ये यहां से मिला करके ये साइड व्यू बन जाता है ना। और यहां पर आपको प्रोसीजर आपको लिखा हुआ है, ये आपको प्रोसीजर आपको यहां पर आपको लिखा हुआ है कैसे बनाना है, ड्रॉ द एक्स लाइन, ड्रॉ द स्क्वायर, मेक द कॉर्नर है ना, ये प्रोसीजर आपको यहां पर आपको लिखा हुआ है ना, ये आपको प्रोसीजर यहां पे दिया हुआ है, आपको प्रोसीजर से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी आपको बुक जो है आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। दूसरा मेथड है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, 40 हाइट है, 30x20 है, ये आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को यहां पर रखा गया है फर्स्ट एंगल में रखा गया है, टॉप व्यू इधर से होगा, फ्रंट व्यू इधर से होगा और लेफ्ट साइड व्यू इधर से होगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो फ्रंट व्यू है पहले आपको रेक्टेंगल वाला फिर से बताइएगा सर, रेक्टेंगल से फिर से बताइएगा, तो ये रहा ना रेक्टेंगुलर प्रिज, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, पिक्चर कर्सर कहाँ आ रहा है सर, हाँ ठीक ठीक सर, ये एफ वी लिखा हुआ है ना फ्रंट व्यू, जी जी सर, ये फ्रंट व्यू यहाँ पर आपको पहले बनाना है, और जो फ्रंट व्यू होता है उसको ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से डिनोट करते हैं है ना फ्रंट व्यू में, और जी जी सर, और प्लान में टॉप व्यू में ए बी सी डी से आपको डिनोट करते हैं, उसमें डैश से डिनोट करते हैं, इसमें डैश नहीं देते हैं, और साइड व्यू में डबल डैश देते हैं है ना। तो ये फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको फ्रंट व्यू हो गया, और ये आपको टॉप व्यू यहाँ पर हो गया है ना, साइज आपका बनाया हुआ है 40x50 और 20x50, और ये साइड व्यू आपको 45 डिग्री एंगल से लेकर के आप यहाँ पर साइड व्यू बना सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का तीनों व्यू, टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये आपको यहाँ पर बन गया है ना जी। ये फिगर आपको क्लियर है जी सर, हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया, तो दूसरे जितने भी फिगर होंगे वो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर प्रोसीजर आपको आपको दिया हुआ है,
कैसे बनाना है आपको प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। फिर उसी तरह हेक्सागोनल प्रिज्म का, हेक्सागोनल प्रिज्म का ड्रॉ द थ्री व्यूज ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म शाउन इन फिगर, है ना। हेक्सागोनल अपसाइड 25 mm, है ना, ये आपको दिया हुआ है। ये आपको हेक्सागोनल प्रिज्म है ना, ये आपको हेक्सागोनल प्रिज्म है। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से देखेंगे, फर्स्ट एंगल में रखेंगे, है ना, फर्स्ट एंगल में रखेंगे तो फ्रंट व्यू आपको ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिया में आपको फर्स्ट एंगल ही यूज होता है। तो आपको यहां पर देखिए ये जो व्यू है, पहले एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जो है आपको ये आपको प्रिज्म जो है ये आपको ड्रॉ करेंगे, है ना, है ना। इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, ये दो लाइन मिलेगा, है ना, और ये आपको टॉप व्यू हो गया, ये आपको टॉप व्यू हो गया, यहां से आपको टॉप व्यू हो गया। और फिर 45 डिग्री एंगल ले लेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको ये कर देंगे, ये आपको साइड व्यू बन जाएगा, है ना। ये आपको हेक्सागोनल प्रिज्म का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है, तीन व्यू ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है आपको फ्रंट व्यू बनाना, टॉप व्यू बनाना और साइड व्यू बनाना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना, है ना। लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां से देखिए आपको हेक्सागोन आपको नजर आएगा, ये आपको हेक्सागोन यहां पर आपको बनाना है। यहां से साइड व्यू के लिए यहां से आप लाइन प्रोजेक्ट कर लीजिए ड्रॉइंग शीट पे, और यहां से लाइन प्रोजेक्ट कर लीजिए ड्रॉइंग शीट पे, ये आपको साइड व्यू हो गया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी आता है और इंडस्ट्री में भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही यूज होता है ना। ये हेक्सागोनल प्रिज्म का हो गया। और फिर आपको ये चौथा प्रॉब्लम सिलेंडर का दिया हुआ है, ड्रॉ द टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 20 mm एंड द लेंथ 30 mm, है ना, डायमीटर 30 mm एंड द लेंथ 30 mm। ये आपको टॉप व्यू इधर से होगा, साइड व्यू इधर से होगा, फ्रंट व्यू इधर से होगा, देखिए दिखा हुआ है, लिखा हुआ है सारा, है ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट व्यू आपको पहले बनाया है, फ्रंट व्यू देन टॉप व्यू देन साइड व्यू, बहुत ही आसान है। फ्रंट व्यू इधर से है, सर्कल पहले डायमीटर 20 का बना दिया, है ना, एक्स लाइन पे, फिर कुछ डिस्टेंस पे टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल आएगा, उसको बना दिया, फिर 45 डिग्री का एंगल लेकर के ये आपको रेक्टेंगल साइड व्यू बना दिया, सिलेंडर का क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी जी सर, हाँ वो आसान है। देखिए ये टॉप व्यू लिखा हुआ है, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, इधर से साइड व्यू दिया हुआ है ना। तो फ्रंट व्यू में आपको एक सर्कल आएगा डायमीटर 20 का, और आपको टॉप व्यू में आपको ये आपको 30 का आपको एक रेक्टेंगल आएगा, तो ये रेक्टेंगल आपको बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद 45 डिग्री लाइन दे करके यहां से आप साइड व्यू बना लेंगे, है ना। ये आपको आपको सिलेंडर का आपको दिया हुआ है, ये सिलेंडर का बनाया हुआ, ये इसी सिलेंडर का बनाने के लिए वो बोल रहा है ना, इसी सिलेंडर का बनाने के लिए बोल रहा है। इसको ड्राइंग शीट में आप जो है बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी में बना करके आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड आपको दिया हुआ है, आपको ये जो मेथड दिया हुआ है लिखा हुआ है, ड्रॉ द प्लान, ड्रॉ द एंड व्यू, ड्रॉ द प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ ए सिलेंडर, है ना, ये स्टेप लिखा हुआ है ना, यहां पर स्टेप लिखा हुआ है, ये भी बुक आपको भेजा हुआ है। और फिर उसके बाद कोन का आता है, ड्रॉ द मल्टी व्यू ऑफ द कोन, ड्रॉ द मल्टी व्यू ऑफ द कोन, कोन का हाइट 80 है,
और डायमीटर 60 है, डायमीटर 60 है, ड्रॉ द मल्टी व्यू ऑफ द कोन, है ना। तो देखिए कोन को जब फ्रंट व्यू देखेंगे ना, आपको ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू में आपको एक सर्कल दिखेगा कोन में, है ना, ये एक सर्कल दिखेगा, और साइड व्यू में एक ट्रायंगल दिखेगा। ये कोन का आपको क्लियर हो गया जी सर? कोन का आपको क्लियर हो गया? कोन का ऑर्थोग्राफिक, हाँ कोन का, ये आपको देखिए टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे आपको एक सर्कल बनेगा, और ये आपको ट्रायंगल बनेगा, और ये आपको ट्रायंगल बनेगा, ये आपको कोन का हो गया। फिर आपको रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड का ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ द साइड 20 mm एंड द हाइट 40 mm, है ना। ये आपको हेक्सागोनल पिरामिड आपको दिया हुआ है, साइड 20 mm एंड द हाइट 40 mm, है ना। 40 mm मतलब ये साइड वाला दिया हुआ है सर क्या? और 20 कौन सा है? नहीं 40 mm हाइट है। अच्छा हाइट सर, हाँ, और 20 mm साइड है। जी जी सर, है ना। तो इसका जो टॉप व्यू बनेगा एक हेक्सागोन बनेगा, है ना, ये हेक्सागोन बनेगा, और ये हेक्सागोन को सभी से आपको यहां से आपको सेंटर से आपको उसको भटक से आपको मिला देंगे, और फिर ये साइड ये साइड ये साइड ये आपको ट्रायंगल बन जाएगा, फिर यहाँ 45 डिग्री लाइन दे देंगे, फिर यहां पर आपको, है ना, ये पिरामिड है ना, पिरामिड है, फ्रंट व्यू में देखिए ये दो दो चार लाइनें होंगी, दो दो और चार लाइनें होंगी, और साइड व्यू में तीन लाइन होगा, एक दो तीन, एक दो तीन लाइन होगा, है ना। ये हेक्सागोनल पिरामिड का है, समझ में आ गया? ये भी आसान है, है ना। ये ड्राइंग पे शीट पे बनाने के बाद आपको आपको क्लियर होगा, ड्राइंग शीट पे एक एक प्रॉब्लम को जब तक नहीं बनाएंगे ना, तो वो आपको क्लियर नहीं होगा कि ड्राइंग में आपको बनता कैसे है। तो एक एक को आप इसको इसको घर पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये बुक आपको दिया हुआ है। तो ये हेक्सागोनल पिरामिड का है, और उसी तरह आइडेंटिफाई द सरफेस ऑफ द ब्लॉक विथ स्लोप कट्स साउन इन द आइसोमेट्रिक व्यू। ये आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंडस्ट्री का एक ऑब्जेक्ट है, और है ना, इसका आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू आपको बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए इस तरह का ब्लॉक है, ब्लॉक का टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने के लिए बोल रहा है। टॉप व्यू जब आप ऊपर से देखेंगे, है ना, तो आपको इस तरह का दिखेगा। देखिए ऊपर से देखिए, ये जो एरो देता है ना, एरो एक साइड में देता है, इसका मतलब इस साइड से फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट से देखेंगे ना इस साइड से, तो आपको इस तरह का दिखेगा, है ना। और इधर से देखेंगे साइड व्यू, साइड व्यू देखेंगे आपको इस तरह का दिखेगा। ये सारा आपको तीनों व्यू आप इस ऑब्जेक्ट का देखिए, कोई भी लाइन आपको इंडस्ट्री में अगर कोई भी लाइन आपसे गलत हो जाता है तो ऑब्जेक्ट आपको गलत बनेगा। तो आपको सारा लाइन आपको सही होना चाहिए, तभी आपको सही बनेगा। तो यहां पर आपको दिया हुआ है टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना, टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये आपको यहां पर दिया हुआ है।
यही तीनों मिलके सर ये बना हुआ है ना। हाँ, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीन व्यू आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूछता है, है ना? तो ये आप इसको क्लियर कर लीजिए, हर एक डायमेंशन यहां पर दिया हुआ है, डायमेंशन वाइज जो है आपको बनेगा, जो जो डायमेंशन है आपको टॉप व्यू में वही डायमेंशन यहां भी बनेगा तीनों नहीं व्यू। सर, जैसे आप बोले सर टॉप व्यू और साइड व्यू और जो ये जो है ये डायमेंशन, इसी के टुकड़ा से पार्ट से ये बना हुआ है सर क्या? हाँ हाँ ये जो बना हुआ है इसी का पार्ट से बना हुआ है। जी जी सर, यही तीनों मतलब पार्ट से ये बना हुआ हुआ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए टॉप व्यू में आपको इसी तरह का दिखाएगा, ये आपको स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पर आपको ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, और ये आपको एल शेप का है, यहाँ पर ये आपको एल शेप का है। इधर से देखेंगे ये आपको एल शेप मिलेगा, ये आपको रेक्टेंगल मिलेगा, ये एल शेप मिलेगा और ये रेक्टेंगल मिलेगा, है ना? फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू में इधर से देखेंगे ये आपको एल शेप मिलेगा, ये रेक्टेंगल मिलेगा, ये एल शेप मिलेगा, ये रेक्टेंगल मिलेगा। तो तीनों व्यू आपको क्लियर हो गया? जी जी सर। हाँ ये आप क्लियर कर लीजिए, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह देखिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ रहा है ना? ये ब्लॉक आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सरफेस ऑफ द ब्लॉक विथ स्लोप कट्स इन द साउंड इन द फिगर, है ना? तो ये ब्लॉक यहां पर आपको दिया हुआ है, और ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू ये दिया हुआ है ना? देखिए ये टॉप व्यू दिया हुआ है, और ये आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है। फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे आपको इस तरह का दिखेगा, और इधर से देखेंगे आपको साइड व्यू दिखाई देगा, है ना? साइड व्यू, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और फिर ये वाला पोर्शन है, फिर ट्रायंगल है, देखिए फिर ट्रायंगल है, ये साइड व्यू आपको दिखाई देगा, है ना? ऊपर से देखेंगे ये आपको एल शेप नजर आएगा, फिर ये आपको रेक्टेंगल नजर आएगा, और फिर ये आपको रेक्टेंगल नजर आएगा, ये आपको टॉप व्यू हो गया। ऊपर से जो क्या है सर एक बताइए, मतलब टॉप टॉप व्यू लगा से आती है कि साइड व्यू लगा हुआ है सर? ऊपर से एक एंगल बताइए जो ऊपर से देखने के बाद टॉप व्यू बनेगा। जी सर, टॉप व्यू ना? हाँ, ऊपर से देखने के बाद टॉप व्यू बनेगा, और फ्रंट से देखने के बाद फ्रंट व्यू बनेगा, और साइड से देखने के बाद साइड व्यू बनेगा। है ना? जी सर। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था सर, हाँ, ये जो एंगल बना हुआ है ना, तो एक भी एंगल का मतलब थोड़ा सा हमको पहचान दिलाइए कि ये टॉप व्यू का है या साइड व्यू का है, कैसे पोर्शन बना हुआ है सर, कैसे बनाया गया है? देखिए ये जो ऑब्जेक्ट देख आप देख रहे हैं ना, तो आप इसको ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने के बाद आपको ये वाला एल शेप नजर आएगा। जी, ये एल शेप यहाँ पे दिखाया गया है, 12 नंबर। जी सर, 12 नंबर दिखाया गया है। फिर आपको ये वाला एफ दिखाई देगा, ये आपको 2 नंबर दिखाया गया है। अच्छा, और ये फिर आपको बी दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना? और आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यही टॉप व्यू आपको दिखाई देगा। है ना? टॉप व्यू आपको दिखाई देगा, और फिर इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो आपको ये आपको डी नजर आएगा, ये वाला पोर्शन नजर आएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर, 4 नंबर आपको दिया हुआ है ना? और फिर ये एफ नजर आएगा, एफ भी रेक्टेंगल नजर आएगा, वो 10 नंबर आपको दिया हुआ है। ये सर,
और ये आपको बी नजर आएगा, ये आपको 7 नंबर दिया हुआ है। है ना, और साइड व्यू में, साइड व्यू में इधर से देखेंगे आपको ये आपको ट्रायंगल नजर आएगा, ये 13 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो ए लिखा है ना यहाँ पे 13 नंबर लिखा हुआ है। जी सर। है ना, और फिर यहां से देखेंगे तो ये जी नजर आएगा, जी यहाँ को ना आपको 9 नंबर लिखा हुआ है, देखिए। जी सर। फिर आपको यहां से देखेंगे आपको ई नजर आएगा, और ई आपको 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। तो ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये आपको जरूरी है कोई भी ड्राइंग इंडस्ट्री में, आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से ही आपको बनाता है। है ना, तो ये आपको जरूरी है। तो ये इस ब्लॉक का आपको क्लियर हो गया? जी सर। आगे आगे बढ़ें? जी जी सर। हाँ देखिए, और ये आपको इस ब्लॉक का दे रहा है मेथड 9, आइडेंटिफाई द सरफेस ऑफ द ब्लॉक सॉन इन द आइसोमेट्रिक व्यू विद द करस्पॉन्डिंग मल्टी व्यू, फिल इन द टेबुलेशन कॉलम। ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको, इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। तो इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू यहां पर बनाया हुआ है। टॉप से देखिए, टॉप से देखिए आपको डी नजर आएगा, और यहां पे उसको 4 नंबर दिखाया गया है, और उसके बाद ये ए नजर आएगा, ये नजर आएगा उसको 5 नंबर से दिखाया गया है, 2 ट्रायंगल आपको नजर आएगा डी और ए, और ये तो ठीक है। हाँ तो ये डी का 4 नंबर दिखाया गया है और ए का 5 नंबर दिखाया गया है टॉप व्यू में। फ्रंट व्यू में जब देखेंगे तो आपको सी दिखेगा, सी को 1 नंबर यहां पे दिखाया गया है, वो ट्रायंगल आपको दिखाया गया है, और ए को ट्रायंगल दिखाया गया है, 2 नंबर दिखाया गया है यहाँ पर, ए को 2 नंबर दिखाया गया है। तो ए को बोले सर 5 नंबर दिखाया गया है सर, इसमें यही एंगल में ए को कितना दिखाया गया है सर, 2 की 5? नहीं नहीं, फ्रंट व्यू में ये 2 नंबर दिखाया गया है। अच्छा, फ्रंट व्यू में भी तो दिखेगा ना? जी सर, फ्रंट व्यू में 2 नंबर दिखाया गया है, और टॉप व्यू में सर फ्रंट व्यू तब कौन सा हुआ सर, फ्रंट व्यू बताइए कौन सा हुआ। तो यहाँ से इस साइड से एफ लिखा हुआ ना, फ्रंट व्यू। जी जी सर, एफ लिखा है ना, वो फ्रंट व्यू है। एफ लिखा हुआ है आपको, फ्रंट व्यू हो गया। और एस, एस एस का मतलब साइड व्यू हो गया, इधर से देखेंगे है ना, तो ये ट्रायंगल आपको दिखेगा जो कि यहाँ पे बी दिखाया गया है, और ये ट्रायंगल दिखेगा उसको 7 दिखाया गया है, बी और 7 दिखाया गया है ना, क्लियर है? हाँ ये सिंपल है सर, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट जो वजरा हुआ था, इसमें सिंपल है। हाँ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ना, कॉम्प्लेक्स था तो वो एक एक को सभी तरह का तो ऑब्जेक्ट रहता है इंडस्ट्री में तो हर एक तरह का ऑब्जेक्ट रहता है ना, सिंपल भी रहता है कॉम्प्लेक्स भी रहता है, तो वो देख के बनाना पड़ता है। हाँ ड्रॉइंग सही करेगा तभी तो वर्कर बना पाएगा और वहां पे प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर पाएगा, नहीं तो ड्रॉइंग गलत हो गया तो फिर वो नहीं काम कर पाएगा। तो ये इस ब्लॉक का समझ में आ गया, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। जी सर, है ना, आगे बढ़े। जी सर। हाँ देखिए, अब ये ब्लॉक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, draw the isometric view and also draw the three views in the workbook। देखिए आपको इसका यहां पर आपको 3 view आपको दिखाया हुआ है,
थ्री व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है ना, यहां भी आपको दिखाया हुआ है, ये आपको फ्रंट व्यू है और ये आपको टॉप व्यू है, ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यहां से यहां तक पार्ट जो है आपका हिडन है, छुपा हुआ है, उसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। टॉप व्यू में देखिए, टॉप व्यू देखिए, ये वाला फिगर होगा, ये वाला फिगर होगा और ये वाला फिगर होगा, आपको क्लियर हो गया? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये आपको फ्रंट व्यू है, ये आपको फ्रंट व्यू है, ये आपको फ्रंट व्यू है, फिगर 11 जो दिखाया गया है आपको फ्रंट व्यू है। और फिगर 12 जो दिखाया गया है वो आपको टॉप व्यू है, ये आपको रेक्टेंगल हो गया, फिर आपको रेक्टेंगल में डॉटेड लाइन हो गया, फिर आपको ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपको फिगर 12 दिखाया गया है, टॉप व्यू है ना। और यहां पर आपको तीनों व्यू आपको दिखाया गया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। साइड व्यू में इधर से देखेंगे, साइड व्यू तो यहां का एक डॉटेड लाइन आएगा और यहां का एक डॉटेड लाइन आएगा, दो डॉटेड लाइन आएगा, दो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, एक यहां का आएगा, ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा, है ना। देखिए थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, डॉटेड लाइन, ये दो डॉटेड लाइन दिखेगा, है ना। तो आपको ये आपको तीनों व्यू आपको क्लियर हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आपको क्लियर हो गया? जी सर। ये आपको इस ब्लॉक का ये तीन व्यू आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये तीन व्यू आपको इसी तरह दिखेगा, है ना। आगे बढ़े। जी जी सर। ये आपको आगे में आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया हुआ है, ये आपको 120 डिग्री का एक्सिस बना करके ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिया हुआ है, पिक्टोरियल ड्राइंग दिया हुआ है ना। तो ये जूम मीटिंग जो होता है ना वो आपको 40 मिनट का ही होता है। जी सर। है ना, तो आप टाइम खत्म होने वाला है, तो आप इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को आप इसको क्लियर कीजिए, आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ठीक है सर, फिर दोबारा देख लेंगे ना वीडियो, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आपको भेजा हुआ है, ये जो वर्कबुक है ना, आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, और उसमें आप देखिए, जहां समझ में नहीं आ रहा है फिर हमें आप जो है क्लियर कीजिए। ये आपको फ्रंट व्यू है, ये आपको टॉप व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। देखिए ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंडस्ट्री में जो ड्राइंग यूज किया जाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, जो भी ड्राइंग होता है वो इसी तीन व्यू में आपको दिया हुआ जाता है, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और साइड व्यू में, है ना। तो ये तीन व्यू को जानना जरूरी है और समझना जरूरी है कि कौन सा लाइन किसका है। ये हर एक लाइन में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको वर्कर गलत बना देगा, प्रोडक्ट गलत बना देगा। कोई भी लाइन आपको गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको सही होना चाहिए, तभी आपका ड्राइंग क्लियर होगा। है ना, तो जी जी सर। तो इसमें आप इसको पहले आप ड्राइंग क्लियर कीजिए। ये आपको 10 फिगर आपको बताया गया है, मेथड 10 तक आपको क्लियर किया गया है ना, ये इसमें भी क्लियर किया गया, यहाँ भी क्लियर किया गया, ये फिगर 9 में भी आप जो है ट्रायंगल कैसे कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मेथड में 10 फिगर ही आता है सर ना, मेथड में 10 ही फिगर आता है।
नहीं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है ना, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के 10 प्रॉब्लम आपको बता दिया है ना, तभी तरह के प्रॉब्लम आपको बता दिया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सभी तरह का प्रॉब्लम आपको यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया है, बता दिया गया है, 10 प्रॉब्लम देके बता दिया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। पहले तो आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है ना, फिर आपको बताया कि फर्स्ट एंगल आपको यूज होता है इंडिया में, तो ये आपको फर्स्ट एंगल का ही सब जगह आपको देखिए, फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, साइड व्यू आपको बगल में है, ये आपको फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आपको इंडिया में यूज होता है वही फिगर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना। ये 9th फिगर था और ये 8th फिगर था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू है ना। तो और ये हम लोग करते क्या है, जैसे प्रैक्टिकल रहता है तो ये ब्लॉक जो है हम लोग वहां पे बनवा लेते हैं, लकड़ी का वुडन का ब्लॉक बनवा लेते हैं, और वुडन को ब्लॉक को ठीक से देखने पे वो आपको समझ में आ जाता है कि ये इसमें किस तरह का ड्राइंग हो रहा है ना, कौन सा लाइन कहाँ से आ रहा है, ये आपको क्लियर हो जाता है ना। तो वुडन ब्लॉक रहने पे आपको इस तरह का वुडन ब्लॉक होगा ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ से आ रहा है ना। तो ये 8th फिगर था, 8th फिगर का आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको बताया हुआ है। आप इसको ये आपको 7th फिगर है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ये आपको बताया हुआ है। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, फ्रंट व्यू जिधर ये एरो दिया जाता है उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, फ्रंट व्यू उसको बोलते हैं, इसको टॉप व्यू बोलते हैं और इसको साइड व्यू बोलते हैं है ना। ये 7th फिगर है, ये देखिए यहां पर आपको तीनों व्यू आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, ये क्लियर आपको दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए है ना, प्रैक्टिस कीजिए तो फिर आपको क्लियर होगा। और ये आपको 6th में हेक्सागोनल पिरामिड का आपको बताया हुआ है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको बताया हुआ है। टॉप व्यू में स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ए बी सी डी ई एफ, और फ्रंट व्यू में ए बी सी डी ई एफ विथ डैश के साथ में डिनोट करते हैं, और साइड व्यू में डबल डैश के साथ में डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको हेक्सागोनल पिरामिड है ना, हेक्सागोनल पिरामिड का आपको बताया गया। और 5th फिगर में कोन का आपको बताया गया है, कोन कोन का ना, कोन का आपको टॉप व्यू एक सर्कल होगा, फ्रंट व्यू एक ट्रायंगल होगा, साइड व्यू एक ट्रायंगल होगा है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। ये आपको कोन का यहां पर आपको आपको बताया गया, और फिर यहां पर सिलेंडर का बताया गया, सिलेंडर का है ना, ये सिलेंडर का यहाँ पे आपको बताया गया, ये सिलेंडर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर से देखेंगे ये सर्कल बनेगा, फ्रंट से देखेंगे एक रेक्टेंगल बनेगा है ना, साइड व्यू में देखेंगे एक रेक्टेंगल बनेगा, ये सिलेंडर का आपको दिखाया गया है ना, ये सिलेंडर का आपको यहां पर आपको दिखाया गया, और ये आपको हेक्सागोनल प्रिज्म का आपको दिखाया गया, हेक्सागोनल प्रिज्म का आपको दिखाया गया, हेक्सागोनल प्रिज्म का आपको जो हेक्सागोन होगा वो इस तरह का होगा, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है ना। देखिए फ्रंट व्यू में 4 लाइन होगा, और टॉप व्यू में आपको
ये दिखाया गया है, तीन लाइन होगा टॉप व्यू में और फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में चार लाइन है, फ्रंट व्यू में तीन लाइन है ना। फ्रंट व्यू यहां से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, एक लाइन दो लाइन ये तीन लाइन है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन है फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू में चार लाइन है, एक लाइन इसका हो गया, एक लाइन इसका हो गया, एक लाइन इसका हो गया, एक लाइन इसका हो गया है ना। ये चार लाइन है और ये हेक्सागोन है। इसका वुडन ब्लॉक रहने से ना, वुडन ब्लॉक का जब रहता है तो वुडन ब्लॉक का हेक्सागोन सिलेंडर कोन ये रहने से वो जो देखेंगे तो फिर आपको डायरेक्टली अच्छी तरह क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह का जो है ड्राइंग आपको बना हुआ है ना। हेक्सागोन का आपको क्लियर हो गया? जी जी सर। हाँ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना, ये आपको हेक्सागोन का है, ये आपको हेक्सागोन का है। और फिर आपको ये आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आपको दिया हुआ है, ये आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। ये आपको टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना। ये आपको टॉप व्यू में आपको एक रेक्टेंगल आएगा, ये रेक्टेंगल आया हुआ है, और फिर फ्रंट व्यू में ये रेक्टेंगल आएगा, ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ये रेक्टेंगल आएगा, ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है ना, है ना। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम था रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। फिर स्क्वायर का पहले सबसे पहला प्रॉब्लम बताया गया था स्क्वायर का। स्क्वायर में ये आपको फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू आपको एक स्क्वायर हो जाएगा, फिर टॉप व्यू हो गया वो एक स्क्वायर हो जाएगा, साइड व्यू हो गया एक स्क्वायर हो जाएगा है ना। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंगल है ना। ये आपको पहला प्रॉब्लम था, और जो उसमें आपको बताया गया था फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, यहां पर आपको क्लियर किया गया है। ये आपको फर्स्ट एंगल है, ये आपको थर्ड एंगल है। फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर जाएगा, एसपी नीचे आएगा है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रंट व्यू ऊपर जाएगा और टॉप व्यू नीचे आएगा, ये आपको फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल का आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, बीपी ऊपर जाएगा, एसपी नीचे आएगा, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल में ये एचपी हो गया, ये बीपी हो गया, ये एचपी ऊपर जाएगा, बीपी नीचे आएगा। थर्ड एंगल में ये आपको टॉप व्यू है, ये आपको फ्रंट व्यू आपको जाएगा है ना। ये आपको थर्ड एंगल का फिगर दिया हुआ है, एचपी ऊपर जाएगा, बीपी नीचे आएगा एचपी ऊपर जाएगा और बीपी आपको नीचे आएगा। और इंडस्ट्री में सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल नहीं यूज किया जाता है क्योंकि थ्री डायमेंशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, उसमें डायमेंशन जो है इजीली आइडेंटिफाइड आपको नहीं होता है, इसीलिए उसको आपको यूज नहीं किया जाता है। ओनली फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपको यूज किया जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है ना। दोही सिस्टम जो है आपको यूज किया जाता है इंडिया में, फर्स्ट एंगल आपको यूज किया जाता है, ये फर्स्ट एंगल यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको यही है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टर दिया हुआ है, ये इमेज दिया हुआ है। व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर तब इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्टर है और ये इमेज बना हुआ है ना, इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं।
यहाँ पर आपको चारों क्वाड्रेंट आपको दिखाया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाया गया है। वर्टिकल प्लेन ऊपर जाएगा, फ्रंटल प्लेन आपको नीचे आएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया। है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। है ना, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? जी जी सर। हाँ, ये यही प्रोजेक्शन का यही मतलब है। आपको सिंपल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और तो काफी प्रोजेक्शन का, पॉइंट ऑफ विजन होता है, प्रोजेक्टर्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है और प्रोजेक्शन होता है, यही चीजें होती हैं, है ना? पॉइंट ऑफ विजन, प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट, यही चीजें आपको होती है। कहां से पॉइंट ऑफ विजन है, यहां से ये दिखाया गया है, जब प्रोजेक्टर पैरेलल होगा इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना? यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ द विजन होगा तो फर्स्ट एंगल में होगा तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, सेकंड एंगल में रहेगा तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, थर्ड एंगल में रहेगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, फोर्थ एंगल में रहेगा तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे। है ना, ये आपको फर्स्ट एंगल का और ये थर्ड एंगल का है। ये फर्स्ट एंगल का ड्राइंग है, ये थर्ड एंगल का। फर्स्ट एंगल का है, ये थर्ड एंगल का। वर्कबुक में आप 100 फिगर आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये आपको हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंडस्ट्री में के लिए भी इम्पोर्टेंट है।